हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास 10th सीबीएसई का बायोलॉजी का चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। गाइस, इस चैप्टर को ध्यान से समझना क्योंकि ये बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ये सभी टॉपिक कवर अप करेंगे, इंट्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑलराइट गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। गाइस, लाइफ प्रोसेसेस मींस वो सभी एक्टिविटीज़ जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, जो उसे लिविंग स्टेट में बनाए रखती है, उन सभी एक्टिविटीज़ को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ऑल द प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, विच टुगेदर कीप द ऑर्गेनिज्म इन लिविंग स्टेट एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ बॉडी मेंटेनेंस आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। गाइस, लाइफ प्रोसेसेस के एग्जांपल्स हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ग्रोथ एटसेट्रा। गाइस, अब बात करते हैं पहले और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइफ प्रोसेस की जिसका नाम है न्यूट्रिशन। गाइस, आपको पता भी होगा कि फूड का कोई भी वो पार्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। इस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहा जाता है। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड इनटू इट्स बॉडी एंड इट गेट्स डाइजेस्टेड एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दैट फूड। गाइस, फूड के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जिसे न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। न्यूट्रिएंट्स 5 टाइप्स के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड वाटर। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, ऑटो प्लस ट्रोफोज। ऑटो मींस होता है सेल्फ एंड ट्रोफोज मींस होता है नरिशमेंट, जिसका मतलब हुआ ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर करता हो। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट्स, आपको ये तो पता ही है कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होती है। तो इसका एग्जांपल क्या हुआ, ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि कीमोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड खुद से बनाते हैं। स्टूडेंट्स, इन ऑर्गेनिज्म्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ऑटोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन के लिए किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं रहते हैं। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। स्टूडेंट्स, एक वर्ड आया है क्लोरोफिल, ये क्या होता है? स्टूडेंट्स, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है जो लीफ में प्रेजेंट होता है। इसी पिगमेंट की वजह से लीफ ग्रीन कलर की दिखाई देती है। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स आउट ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। गाइज, ये सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है प्रोसेस। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ग्लूकोज बनता है उसे बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म्स एज ए फूड यूज़ कर लेते हैं, और इसका जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, वो ब्रीदिंग की प्रोसेस में काम में आता है। गाइस, अब बात करते हैं जो फोटोसिंथेसिस के अंदर जो रॉ मटेरियल्स थे उनका एक्चुअल में फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सनलाइट का। सनलाइट का फंक्शन होता है एनर्जी प्रोवाइड करने का। सनलाइट एज ए एनर्जी सोर्स के फॉर्म में एक्ट करती है इसमें। सेकंड बात करते हैं क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल एक मैंने बताया था ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि सनलाइट की लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की। जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स के अंदर एंटर करती है, और इसके बाद में जो प्रोडक्ट बनता है ऑक्सीजन, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही प्लांट से बाहर निकाल दिया जाता है। गाइज, अभी ये न्यू वर्ड आया है स्टोमेटा। तो गाइज, अभी थोड़ा आगे मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि स्टोमेटा एक्चुअल में होता क्या है। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट्स के थ्रू
एंड रूट से जाइलम के थ्रू उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्लांट्स के लीफ में। जैसे ही सारे रॉ मटेरियल्स लीव्स में पहुंचते हैं, वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होने लग जाती है। तो एक्चुअल साइट फोटोसिंथेसिस की होती है प्लांट्स में, लीफ। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेन इवेंट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि क्लोरोफिल सनलाइट से लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में। रिएक्शन होती है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज इसमें प्रोडक्ट की फॉर्म में लास्ट में बनते हैं। अब स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि स्टोमेटा को आगे अपन डिस्कस करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि ये स्टोमेटा क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टोमेटा बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो लीफ की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंटर करती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है। स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। अब बात करते हैं इन स्टोमेटा के फंक्शंस क्या होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। स्टूडेंट्स, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस वाटर भी लूज होता है। आपने देखा होगा कि लीफ की टिप पर कभी कभी वाटर ड्रॉप प्रेजेंट होती है, तो वो ड्रॉप स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस वाटर लूज किया हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था न्यूट्रिशन का फर्स्ट टाइप, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलिए अब बात करते हैं न्यूट्रिशन का सेकेंड टाइप, जिसका नाम है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, ये वर्ड भी दो वर्ड से मिलकर बना है, हेट्रो प्लस ट्रोफोज। हेट्रो मीन्स अदर एंड ट्रोफोज मीन्स नरिशमेंट। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये न्यूट्रिशन का वो टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद फूड प्रिपेयर ना करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड रहता है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक देयर ओन फूड एंड दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। और वो ऑर्गेनिज्म्स जो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, उनको हेट्रोट्रोफ्स कहा जाता है। एग्जाम्पल, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स की। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट, इसके फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड बाय माउथ एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी। तो स्टूडेंट्स, इस टाइप के न्यूट्रिशन में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म माउथ से फूड को बॉडी में एंटर करता है एंड उसका ब्रेकडाउन होता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद उसको एनर्जी प्रोवाइड कर दी जाती है। इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसके एग्जांपल्स हैं इंसेक्ट्स, एनिमल्स, अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। स्टूडेंट्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन को अगेन 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, फॉर एग्जांपल रैबिट, गोट एंड डियर। कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, फॉर एग्जांपल लायन एंड टाइगर। ओमनिवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों पे डिपेंडेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रो, डॉग एंड ह्यूमन बींग्स। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के सेकेंड टाइप की, जिसका नाम है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। इस टाइप के न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड रिक्वायरमेंट किसी डेड या डिकेइंग मैटर, सड़ी हुई चीज़ों से ऑब्टेन करता है। इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड डिकेइंग मैटर। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। गाइज, इसका एग्जाम्पल है फंजाई। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर या उसके अंदर रह करके उससे अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है। इट इज़ ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। सच ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को स्टूडेंट्स पैरासाइट्स कहा जाता है। स्टूडेंट्स, डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन की एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल।